एक सवाल है, रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड डायमेंशन 30 यार्ड बाय 20 यार्ड इज सराउंडेड बाय अ वॉक 5 यार्ड वाइड, द एरिया ऑफ द वॉक इन स्क्वायर यार्ड। एरिया ऑफ द वॉक पूछ रही किस यूनिट में, स्क्वायर यार्ड में। तो डेयर बड़ा ही अच्छा प्यारा सवाल हो गया है, तो मज़ेदार किस्म का। रेक्टेंगल फ्लावर बेड डायमेंशन यहाँ से 30, यहाँ से 20, ठीक है जी। चलिए जी, ये भी हो गई। अब यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, ठीक है। तो अगर देखो 30 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर लें, एक तो रेक्टेंगल बन गया, तो डायमेंशन 30 × 20 हो गई 600। लेकिन क्या हुआ, अब ये 30 में भी दो दफ़ा 5 ऐड हो गया और 20 में भी 5। घूमने की जगह होती है ना, ये पार्क है, ये तो घास हो गई समझो, और ये फाइनल दीवारें हो गई, तो दरमियान का एरिया वॉकिंग। तो 30 में दो दफ़ा 5+ करो 40, 20 में दो दफ़ा 5+ करो 30, 40 को 30 से मल्टीप्लाई करो 1200। टोटल ये एरिया हुआ 1200, ये हुआ 600। तो वॉक करने की जगह क्या होगी, 1200 में से 600 माइनस कर दो आंसर। प्यारा क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:3, 1:4। इफ द पेरीमीटर इज 130 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड इज। जो साइड से ट्राइंगल की उसका रेशियो है 1:2, 1:3, 1:4। अगर पेरीमीटर यानी साइडों का सम 130 है, तो लेंथ स्मॉलेस्ट साइड की पूछिए। यार अब स्मॉलेस्ट साइड की बात हो रही है, पहले तो देखो कि ये रेशियो है 1/2, 1/3, 1/4। तो पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, जो कि आ जाएगा 12। किसका एलसीएम, 2, 3 और 4 का। जब भी फ्रैक्शन में आए ये ट्रिक याद रखो, 12 को डिवाइड किया 2 से 6, 12 को डिवाइड किया 3 से 4, 12 को डिवाइड किया 4 से 3, 6, 4, 3, ठीक है जी। तो स्मॉलर साइड का रेशो हो गया 3, मीडियम का 4, लार्जेस्ट का 6, और तीनों का सम हो गया 13। अब 3/13 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछिए। अब इस 12 से कोई ताल्लुक नहीं रहा, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। अब इससे ताल्लुक है 6, 4, 3 का, समझो कि 13 है। और पेरीमीटर 130 दिया है तीनों साइडों का सम, 3/13 को 130 से मल्टीप्लाई करो, 130 को 13 से डिवाइड किया 10, 3 10 सा 30।